हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब व्यापार का साझेदार का पुनर्गठन। ठीक है, चलिए देखते हैं कब कब साझेदार का पुनर्गठन होता है, और इससे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर पुनर्गठन का मतलब क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखते हैं साझेदारी के समझौते या लाभ साझाकार अनुपात में किसी भी बदलाव को पुनर्गठन कहा जाता है। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, लाभ साझाकार अनुपात जब बदल जाता है, तब क्या होता है, पुनर्निर्मित होता है। और भी बहुत सारे होते हैं। पहला, लाभ अनुपात बदल जाता है, साझेदार का लाभ अनुपात बदल जाता है, नए पार्टनर की एंट्री होती है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट होता है, अवकाश होता है साझेदार का, या फिर अवकाश होता है साझेदार का और मृत्यु होता है साझेदार का, इन सब केस में क्या होता है सर, इन सब केस में पुनर्गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसे ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कह रहा है साझेदार फर्म का निम्नलिखित परिस्थितियों में एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। पहला है लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन, उस समय होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, साझेदार का प्रवेश, उस समय होता है। तीसरा, साथी की सेवानिवृत्ति या फिर मृत्यु, रिटायरमेंट या फिर डेथ, इन सब केस में क्या होता है सर, इन सब केस में पुनर्गठन होता है साझेदार का। इतना क्लियर है सर। आगे देखते हैं, मौजूदा साझेदार के बीच लाभ साझा अनुपात में संभावना क्या है, इसको पढ़ लेते हैं बाद में। लाभ साझाकरण अनुपात में बदलाव का मतलब है कि एक या एक से अधिक साझेदार दूसरे साझेदार या साझेदार से ब्याज प्राप्त करते हैं। यहाँ एक या अधिक साझेदारों के लाभ का हिस्सा बढ़ता है तो एक या अधिक साझेदारों के हिस्सा में कमी आती है। मतलब समझिए, दो या चार, एक पार्टनर सिर्फ फर्म में चार पार्टनर है, ठीक है, चार साझेदार है। दो साझेदार ने क्या किया, बचे हुए दो साझेदार का प्रॉफिट रेशियो खरीद लिया, तो कहीं ना कहीं वही बोल रहा है कि जो साझेदार है उनकी जो लाभ अनुपात है वो बढ़ जाएगा, और जो दूसरा बचे हुए साझेदार है जिन्होंने उसे बेचा है उसका लाभ अनुपात घट जाएगा। बस यही बोल रहा है, सिंपल था। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे देखते हैं, बोल रहा है जब किसी फर्म के सभी साझेदार अपने लाभ बंटवारे अनुपात को बदलने के लिए सहमत होते हैं, अनुपात बदला जाता है। जब पूरा सहमत हो जाते हैं जितने भी फर्म में साझेदार हैं, अगर वे लाभ अनुपात को बंटवारे में कुछ न कुछ बदलाव करना के लिए हर लोग क्या होते हैं, अगर सहमत हो जाते हैं तो ही क्या होता है, अनुपात बदलता है। आगे देखते हैं, नया लाभ साझाकरण अनुपात किसको कहते हैं, फटाफट से देखिए। नया लाभ साझाकरण अनुपात, नो बकवास ओनली प्राइस, ठीक है। नया लाभ साझाकरण अनुपात कहता है कि वह अनुपात जिसमें साझेदारों की भविष्य में पुनर्गठन पर लाभ साझा करना होता है, नए लाभ साझाकरण अनुपात के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में आएगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसको कहते हैं, नया लाभ साझाकरण अनुपात किसको कहते हैं, ऐसा अनुपात जो भविष्य में क्या होगा, पार्टनर के द्वारा, साझेदार के द्वारा लाभ को उस अनुपात में बांटा जाएगा। जब एडमिशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, नया प्रॉफिट रेशियो बनाते हैं, तो भविष्य में होने वाली जो प्रॉफिट होते हैं उसको हम लोग उस रेशियो में बांटते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, नया लाभ साझाकरण। इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं फटाफट से, कॉपी किताब कलम को खोल के रखिए, ठीक है, अदरवाइज ऐसे बैठ कर देखिए। आगे देखते हैं, लाभ अनुपात किसको कहते हैं, चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसको कहते हैं, यह वह अनुपात है जिसमें लाभ प्राप्त करने वाले साझेदारों का लाभ साझा करने के अनुपात बढ़ता है। इसकी गणना नए लाभ साझाकरण अनुपात और पुराने लाभ साझाकरण अनुपात के बीच अंतर लेकर की जाती है, जिसको हम लोग गेनिंग रेशियो कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं गेनिंग रेशियो और हिंदी में कहते हैं लाभ अनुपात। तो लाभ अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, लाभ अनुपात निकालने के लिए हम लोग को करना है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तब निकल जाता है हमारा लाभ अनुपात। समझिए बात को, किसी पार्टनर का, तीन पार्टनर रहते हैं, ठीक है, एक पार्टनर फर्म में तीन पार्टनर है, उसका लाभ अनुपात है 2:2:1, इतना क्लियर है। उसके बाद में वो लोग चेंज कर लेते हैं रेशियो, तो वो रेशियो बदल जाते हैं 1:1:1।
आखिर गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो कितना गेन कर रहा है। जब लाभ अनुपात बदल जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब लाभ अनुपात बदल जाता है तो वो पार्टनर गेन कर रहा है या फिर सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब पहले जितना रुपया लेता था क्या अभी भी उस अनुपात में ले रहा है या फिर उससे ज़्यादा ले रहा है। तो पहले यहाँ ले रहा था, यहाँ पर पहले कितना हो रहा था सर, 2:2:1 है और यहाँ पर दूसरा है 1:1:1। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 2/5 लिखेंगे ना, 2/5 यहाँ लिखेंगे 1/5। न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना है, 1/3 1/3 1/3। सर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी है। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू रेशियो में से घटा देंगे, नया अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देंगे। अगर प्लस में आएगा तो समझ जाएंगे कि ये पार्टनर लाभ कर रहा है, इस पार्टनर का अनुपात लाभ कर रहा है। तो 1/3 को जब हम घटाएंगे, 1/3 को जब हम लोग घटाएंगे, घटा के दिखाते हैं आपको, तो ये लाभ नहीं कर रहा है, ये हानि कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है सर, वेट, लाभ नहीं कर रहा है, हानि कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो वो होता है लाभ अनुपात, ठीक है। अब बात करते हैं त्याग अनुपात की, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। अब बात करते हैं त्याग अनुपात की। त्याग अनुपात मतलब क्या होता है कि सेक्रीफाइस कितना कर रहा है। त्याग अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, पुराना अनुपात, पार्टनर के पुराना अनुपात माइनस ओल्ड, मतलब नया अनुपात। पुराना अनुपात को जब हम लोग नया अनुपात से घटा देंगे तो जो भी अंतर आता है वही होता है त्याग अनुपात। फिर से समझिए, यह वह अनुपात है जिसमें त्याग करने वाले साझेदारों का लाभ साझा करने का अनुपात घट जाता है। इसकी गणना पुराने लाभ साझाकरण अनुपात और नए लाभ साझाकरण अनुपात के बीच अंतर लेकर की जाती है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इस तरह से करते हैं हम लोग और निकल जाता है। गेनिंग रेशियो में क्या था, लाभ अनुपात में क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, समझ गए। यहाँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किस में, त्याग अनुपात में, लाभ अनुपात में, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इतना क्लियर है। चलिए देखते जाइए प्रॉपर्टी से शुरू से। नोट की बात क्या करिए, नोट बोल रहा है कि यदि पुराना अनुपात नया अनुपात सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि त्याग, और यदि यह नकारात्मक है तो उसका अर्थ है लाभ। बोल रहा है कि अगर पुराना अनुपात को हम लोग नया अनुपात से घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा, पुराना अनुपात को नया अनुपात से घटाएंगे, अगर वो सकारात्मक में है, अगर वो पॉजिटिव में है, प्लस में आ रहा है आंसर, बताया ना कि भाई 2/5 है पुराना अनुपात, नया अनुपात है 1/10, ठीक है, पुराना अनुपात है और ये नया अनुपात है, जब इसको हम लोग घटाएंगे अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा, ठीक है, तो वो सेक्रीफाइस हो गया, वो त्याग अनुपात हो गया, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है वो पार्टनर, त्याग कर रहा है, ठीक है। और यदि वो नकारात्मक में आ गया, अगर वो माइनस में आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है, अगर माइनस में आ गया तो नकारात्मक आ गया तो लाभ कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो लाभ कर रहा है, सिंपल है। इसका कोई फंडा अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो समझिए, लाभ अनुपात में क्या करते थे, नया को पुराना से घटा देते थे, त्याग अनुपात में क्या करते थे, पुराना को नया से घटा देते थे। तो सिंपल तो यही है कि जो पुराना को अगर हम लोग नया से घटाएंगे तो क्या होगा, जब हम लोग पुराना को नया से घटाएंगे तो त्याग अनुपात आएगा, अगर पुराना को नया से घटाएंगे माइनस में आ रहा है तो लाभ अनुपात आ रहा है, इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं ख्याति का लेखांकन उपचार, जो ख्याति है उसका लेखांकन उपचार कैसे करते हैं। लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन के मामले में लाभ परिवर्तन करने वाले भागीदारों को ख्याति, सद्भाव मतलब ख्याति की अनुपातिक राशि का भुगतान करके त्याग करने वाले भागीदारों को शामिल करना होता है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है उसके हिसाब से बांटा जाता है। टिप्पणी क्या है यहाँ पर देखिए, किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि और देनदारी के मूल्य में कमी के परिणाम स्वरूप लाभ होता है, संपत्ति खाता और पूर्ण मूल्यांकन के लिए दो चीज़ होता है, ठीक है। दूसरा, किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी और देनदारी के मूल्य में वृद्धि से होनी होती है तो पूर्ण मूल्यांकन खाता और संपत्ति खाता के लिए, ठीक है, समझिए बात को क्या बोल रहा है। तो ये जितना भी दोस्तों चीज़ लिखा हुआ है इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। देखिए इस तरफ होता है डेबिट साइड, ठीक है,
इस तरफ होता है डेबिट साइड और इस तरफ होता है क्रेडिट साइड। तो जितनी भी संपत्तियाँ बढ़ेगी, जितनी भी संपत्तियाँ अगर बढ़ेगी तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, अगर संपत्तियाँ घटेगी तो हम लोग लिखेंगे उसको, सॉरी संपत्ति बढ़ेगी तो लिखेंगे क्रेडिट साइड, और संपत्ति अगर घटेगी तो हम लोग लिखेंगे इसको कहाँ लिखेंगे सर, डेबिट साइड लिखेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलिए, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलिए या फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइए, बिल्कुल सेम है। तो एक तरह से जहाँ भी बढ़ेगा, जितना भी चीज़ बढ़ेगा, 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इतना रुपये बढ़ गया, तो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट, मतलब आय है, इधर आय होता है ना, इधर आय होता है, और इधर जितना भी खर्चा होता है, ठीक है, मतलब घटता है तो एक्सपेंस है, जितना भी यहाँ पर एक्सपेंस लिखाता है और यहाँ पर लिखाता है प्रॉफिट। तो इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम बनाते रहेंगे, और यहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा आएगा वहाँ से हम लोग इसको अमाउंट लिख कर, अगर इधर कम आ रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट। अगर इस तरफ आएगा तो लिख देंगे बाय लॉस, और बांट देंगे पार्टनर में, ठीक है, पार्टनर में बांट देंगे उसके रेशियो के हिसाब से, सिंपल है। चलिए अब हम लोग दोस्तों देखते हैं त्याग अनुपात और लाभ अनुपात के बीच का अंतर क्या है, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात के बीच का अंतर क्या है, चलिए फटाफट से देखते हैं। और त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं वो तो आपको बता ही दिए हैं कि त्याग अनुपात निकालने के लिए पुराना अनुपात को नया अनुपात से घटा देते हैं, पुराना अनुपात को नया अनुपात से घटा देते हैं, वही होता है त्याग अनुपात। लाभ अनुपात क्या होता है कि जब हम लोग लाभ अनुपात निकालना पड़ता है, और लाभ अनुपात कैसे निकालते हैं सर, लाभ अनुपात निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिंपल बिल्कुल है सर, नया अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देते हैं तो निकल जाता है हमारा लाभ अनुपात, सिंपल है। लाभ अनुपात कब कब होता है सर, लाभ अनुपात कब कब होता है, तो रिटायरमेंट के समय, अवकाश के समय, अवकाश के समय होता है, या फिर मृत्यु के समय होता है, पार्टनर के मृत्यु के समय, तो जो उसका प्रॉफिट, जो उसका रेशियो होता है वो बढ़ जाता है दूसरों में, इसलिए वो लाभ हो जाता है। और त्याग अनुपात कब होगा, एडमिशन में, जब भी पार्टनर का नया पार्टनर क्या करेगा, एडमिशन होगा, तब उनका कोई ना कोई पार्टनर त्याग जरूर करेगा, क्योंकि जितना रेशियो है उसको देना पड़ता है, तो जिस कारण से वो त्याग अनुपात होता है एडमिशन के समय, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं लाभ अनुपात का, यहाँ दिया हुआ है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। त्याग अनुपात और लाभ अनुपात के बीच का अंतर देखिए, पहला है यहाँ आधार, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात क्या है यहाँ पर देखिए, अर्थ देखते हैं फटाफट से, चले अर्थ देखते हैं। त्याग अनुपात से तात्पर्य उस अनुपात से है जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार या व्यवसाय के किसी अन्य साझेदारों के लिए मुनाफे में अपना हिस्सा त्याग देते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं। लाभ अनुपात उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसमें शेष या निरंतर साझेदार सेवानिवृत्त साझेदार से लाभ हिस्सा प्राप्त करते हैं, उसे लाभ अनुपात कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है समझिए, त्याग अनुपात की गणना आमतौर पर नए साझेदार के प्रवेश में, बताया ना, जब नया साझेदार प्रवेश होता है तब तब किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन लाभ अनुपात में क्या होता है, लाभ अनुपात उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसमें शेष या निरंतर साझेदार सेवानिवृत्त साझेदार से लाभ का हिस्सा प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब उद्देश्य यहाँ देख लीजिए, उद्देश्य बता देते हैं कि लाभ अनुपात जो होता है, लाभ अनुपात की जो गणना होती है वो आमतौर पर किसी साथी की सेवानिवृत्त या मृत्यु के समय लाभ अनुपात में सेवानिवृत्त साथी को सद्भावना की राशि का, मतलब गुडविल का जो राशि होता है उसका भुगतान करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया क्या होता है, त्याग अनुपात की गणना तब की जाती है जब कोई नया भागीदार कंपनी में शामिल होता है, एडमिशन होता है तब। वहीं लाभ अनुपात की गणना तब की जाती है जब कोई साझेदार कंपनी छोड़ देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तब, ठीक है। गणना कैसे की जाती है, आइए देखते हैं गणना। गणना, त्याग अनुपात की गणना में पुराने अनुपात को नए अनुपात से घटा दिया जाता है, और लाभ अनुपात में पुराने अनुपात, लाभ अनुपात में क्या है, लाभ अनुपात की गणना करने के लिए नए अनुपात को पुराने अनुपात से घटा दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पूंजी के प्रभाव में, नए साझेदार द्वारा कंपनी में योगदान की गई जो ख्याति के रूप में प्राप्त राशि से बलिदान देने वाले साझेदारों के पूंजी खाते में वृद्धि होगी। वहीं सेवानिवृत्त साझेदार के सद्भावना, मतलब ख्याति के रूप में भुगतान की गई राशि के लिए शेष साझेदारों के पूंजी खाते में कमी कर दी जाएगी। सबको लिख लीजिएगा ये सब फॉर्मूला, क्या देख लीजिए फॉर्मूला,
त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, लाभ अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि आखिर पुनर्गठन कैसे होता है सायदारों का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सायदार का प्रवेश और अच्छे से समझेंगे सब कुछ। अभी हम लोग केवल थ्योरी देख रहे हैं, जितना भी प्रैक्टिकल है वो सब करा चुके हैं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए और आपको जो आंसर होगा, आंसर का सारा सारा सॉल्यूशन कराया हुआ है पहले से ही, ठीक है। आप लोग सर्च करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। और प्लीज में आगे जाकर अकाउंट्स क्लास 12 का सेक्शन में जाइए और आसानी से आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कराया गया है। थैंक यू।